सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंडर ऑन पेज एसईओ, क्रिएटिंग कंटेंट, ऑप्टिमाइजिंग कंटेंट ओवरऑल। तो यहाँ मैं आपको एग्जांपल दिखाने वाला हूँ, जो सारे पॉइंट मैंने आपको बताए थे। तो हमने उसके लिए एक यहाँ पर एक ब्लॉग सेलेक्ट किया है, अच्छा ब्लॉग है और ये अच्छा ट्रेनर है, ये जो पर्सन है दारा वॉल्श, अच्छी मतलब चीज़ें ये बताते हैं, बट डेफिनेटली इंग्लिश में होती हैं, सारे लोग नहीं समझ सकते और बहुत डिटेल्स में नहीं होती कई बार। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, बट अदरवाइज ही इज़ अ गुड ट्रेनर। तो ये उनकी अपनी साइट है जिस पर इस पे दिया हुआ है। ये एक ब्लॉग है जो कि टारगेट किया गया है इस कीवर्ड को लेकर, एसईओ चेकलिस्ट। तो जो हमने पहली बात की थी कि आप पहले 50 से 100 शब्दों में उसको यूज करिए, तो मैं जरा आपको ये दिखाता हूँ कि ये जो वर्ड है कितनी बार यूज हुआ है। 10 बार यूज हुआ है टोटल। सबसे पहले तो टाइटल में यूज हो गया, फिर नीचे आती देखिए फर्स्ट लाइन जो है उसी में यूज हो गया, इसके बाद थोड़ी देर बाद फिर से वर्ड का यूज हुआ है। तो ये अच्छी प्रैक्टिस है। नंबर टू, एक्सटर्नल क्वालिटी रिसोर्स लिंक। तो इस ब्लॉग में जरा हम देखते हैं कि एक्सटर्नल लिंक कौन से हैं। यहाँ पर अलग अलग लिंक दिए हैं, जैसे ये देखिए गूगल एनालिटिक्स का लिंक दिया है, इसको ओपन करते हैं तो गूगल एनालिटिक्स खुल जाता है, राइट। योस्ट एसईओ का लिंक दिया है, कितने सारे लिंक इसमें दिए हुए हैं। एएचरेफ्स का लिंक दिया हुआ है इसमें, राइट। तो ये सारी जो वेबसाइट है ये क्वालिटी वेबसाइट्स हैं, बड़ी वेबसाइट्स हैं डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में, तो इन सब के लिंक दिए हुए हैं, तो ये आपको बहुत हेल्प करता है। इसके बाद जो हमने आपको पॉइंट बताया था इंटरनल लिंक, तो जैसे यहाँ पर एक है डाउनलोड अ पीडीएफ वर्जन, तो ये इंटरनल लिंक हो गया। रीड दिस हेल्पफुल गाइड, देखते हैं ये कहाँ पर है, तो ये भी गूगल में ही खुल रहा है, इसको भी छोड़ देते हैं। बायर परसोना, ये इनका इंटरनल लिंक है, ये देखिए। बेस्ट कस्टमर, ये भी इनका इंटरनल लिंक है। कीवर्ड रिसर्च टेम्पलेट, ये भी इंटरनल लिंक है। मोज एसईओ टूल बार, ये एक्सटर्नल है, तो इंटरनल लिंक भी काफी दिए हुए हैं। आगे हम बात करेंगे इसके बाद पब्लिश लॉन्गर कंटेंट। तो अगर इस कंटेंट को देखें तो ये देखिए काफी ठीक ठाक बड़ा है, मतलब अगर मैं इसको, और उस पर देखिए कॉमेंट भी है, मतलब बहुत सारे 39 कॉमेंट्स, तो बहुत सारे कॉमेंट भी हैं इसीलिए इस पर। तो कंटेंट बड़ा लिखना है। इसके बाद सोशल शेयर बटन, देखिए यहाँ सोशल शेयर बटन कहाँ पर है जरा एक बार देखते हैं। जब हम यहाँ आते हैं तो ऑलरेडी देखिए इसको 312 लोग शेयर कर चुके हैं, 312 लोगों ने लाइक किया है, ट्वीट भी किया होगा, ऑफकोर्स वो यहाँ दिख नहीं रहा है, तो ये भी आपको फायदा मिलता है। यानी कि 312 लोग को जब शेयर करेंगे तो उनके फ्रेंड देखेंगे, तो आप सोच रहे हैं कितना इसका लार्ज इफेक्ट होने वाला है। तो सोशल शेयर बटन यूज करने हैं, हेडिंग टेक्स्ट के लिए H1 यूज करना है, पेज टाइटल के लिए जो यहाँ पर शुरू में यूज किया, अगर आप देख पा रहे हैं बहुत क्लियरली। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि हेडिंग टेक्स्ट H2 H3 यूज करना है आपके टारगेट कीवर्ड के लिए कम से कम 2 से 3 बार आपकी पोस्ट में। तो एक बार देखते हैं इन्होंने कितनी बार यूज किया है। ये तो H1 हो गया, ये देखिए यहाँ पर यूज किया है, यहाँ पर फिर से यूज किया है, इसके बाद तो कई जगह लिखा हुआ है लेकिन आपको क्लियरली 2 बार दिखा है। तो अच्छा ब्लॉग है, आपको इससे आइडिया लग गया होगा, इसमें सारे पॉइंट हैं और सारे पॉइंट होने के बाद आप देख रहे हैं इस पर ट्रैफिक भी आ रहा है, लोग शेयर भी कर रहे हैं, लोग पसंद भी कर रहे हैं, तो कंटेंट भी बड़े अच्छे से ऑर्गेनाइज करके लिखा हुआ है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली हम इनसे भी सीखते हैं और भी बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, बट आपको जो आइडिया मुझे दिखाना था कि भाई इस तरह से आपको कंटेंट लिखना है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा कंटेंट है, ऑर्गेनाइज किया हुआ है, आप बीच में इमेजेस भी डाल सकते हैं। एक यहाँ पर जो चीज़ ठीक नहीं है वो ये है कि इसमें सिर्फ एक इमेज है, यहाँ पर और भी इमेज आ सकती हैं, फिर क्योंकि टेक्स्ट 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 काफ़ी हो गया है, तो बीच में इमेजेस इसमें आ सकती हैं जिससे कि अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाएगा। बाकी मोर और लेस इसमें चीज़ें ठीक हैं जो मैंने आपको यहाँ पर बताई हुई थी। बाकी इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है आप डेफिनेटली हमें रीच आउट कर सकते हैं। ऑल राइट।